बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपना बर्थडे मीडिया के साथ 14 मार्च को सेलिब्रेट किया। इस मौके पर आमिर खान और उनकी वाइफ किरण काफी खुश नजर आ रहे थे। आमिर खान ने मीडिया के साथ केक काटा और सबने उनको विश किया। इसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। वहीं इस मौके पर आमिर खान ने अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में अनाउंसमेंट की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। हर साल आप लोग आते हैं और मुझे विश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे मीडिया का, सभी लोगों का। वेल, माय बर्थडे विश एक्चुअली, ये साल इलेक्शन का साल है, तो मेरा बर्थडे विश ये है कि सब लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग जो हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, सब लोग जाएँ और वोट करें और इस सबसे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बाय वोटिंग। दैट्स माय बर्थडे विश। मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बींग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गम, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायकॉम इज विद अस, और हम लोग फॉरेस्ट गम का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। अरे बर्थडे के दिन आप लोग टेररिज्म की क्या बात कर रहे हैं यार, अरे बर्थडे के दिन आप लोग टेररिज्म की क्या बात कर रहे हैं यार।